जून चला गया, निज्जर निपट गया, सीसीटीवी कैमरा में जिसने मारा था उसकी फोटो कैद हो गई, वो मास्क पहने हुए थे, गाड़ी टोयोटा की लेके भाग गए, ये सब मीडिया में आप लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है ना। 18 जून की डेट याद रखेगा, 18 जून को निज्जर को ठा कर दिया किसी ने। अब 8 सितंबर को जब G20 चल रहा था, ट्रूडो आता है और ट्रूडो कहता है यार मैंने ना इन सब लोगों के साथ डिनर नहीं करना, मैं तो अपने होटल में बैठ के खाना खाऊंगा। ट्रूडो डिनर पे नहीं आया। G20 भारत ने होस्ट करा है लेकिन G20 भारत का तो नहीं है, वो तो जो मेंबर नेशंस है सबका है। तो जस्टिन ट्रूडो ने G20 का डिनर क्यों स्किप करा? पेट खराब था ट्रूडो साहब का, कमरे में बैठ के खिचड़ी खा रहे थे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। फिलहाल तो खिचड़ी खिला रही है इंडिया के दम पे पाओ। जो सुपर पावर बनना चाह रहा था वो ट्रूडो ने उसके दम पे पाओ रख के उसको टेररिस्ट डिक्लेयर करवा दिया। अच्छा जी, पूरी दुनिया में तू हो रही है, इंडियन मीडिया लगा हुआ पता नहीं 80-85 चैनल्स हारा गए हैं और जी के भी कितने और पता नहीं लोकल ये वो उनकी राह के तो खिंच के रखती ना कि तुन के रखो। पॉलिटिकल टच के साथ हाजिर हैं, फिर आगे बात कर लेंगे। एक और ये करनी है जी, वो मिस्त्री साहब चाइना गए हुए हैं। अच्छा यहाँ पे पक गई नहीं, मिस्त्री साहब से 2 दिन पहले मुलाकात की अमेरिकन सफीर ने। सफराज जो मिला करते हैं ना, तो जब उनके मुल्क में दौरे पे जाता है ना तो वो कहता है ये तोहफा उसको दे देना, ये तोहफा अपनी पोस्ट पक्की रखनी होती ना, और न खुडे लाल रुल रहे होते हैं सड़कों के ऊपर, एक एक कमरे में रह रहे होते हैं। तो ये भी फिर आगे से कहता है मिस्त्री मुनीर कह जी ये मेरा भी वहाँ नंबर डाल दे, ईमेल कर दे, वहाँ पे साइफर भेज दे कि बड़ा चंगा बंदा है, इसने मुझे पूरे पाकिस्तान में अकेले ही जनाब अली सैर करने कराने की ये कर दी है, तो मेरे भी नंबर डाल दे। वो एक दूसरे को एक वो सरगोधे का मलक था ना, दो मरासी आ गए, वो कहते तू मैंने मलक साहब आ गए तो मैं तनु मार जिया करूँगा। तो ये आपस में मलक और मार का चक्कर है, पहले भी बताया था। अच्छा जी ये भी बात होगी। उर्दू जुबान का जरा ये काजी बढ़वा कह रहा था, और तो आप इंग्लिश बोलता रहे टूटी भजी, वकील को झाड़ दिया। रजाक कंजरानी कंजर ही है, उसको पिछले दिनों उन्होंने एक हंगामा किया था ना इसके बदयाल की कोर्ट में, उसके बदले में उसको जनाब अली नवाज शरीफ ने नवाजा, वजीर कानून लगा दिया। अब ये शेख रशीद का है वकील, इसने जाके मैं वजीर बन गया तो पैड़ा लगता, तो उसको लंबी तारीख दे दो लंबी। अच्छा जी शेख रशीद अभी मुझे मिल नहीं रहे, कल जब आएगा तो आज या शेख रशीद को छोड़ देंगे, एक हाईकोर्ट ने कहा वो टेप पे लिखते हैं हाईकोर्टों के। तो शेख रशीद का जब अगर पूछना तो चाहिए काजी का, वरना बढ़वागिरी पे फिर ऐसे ही चलता है। अच्छा जी कंजरानी रजाक कंजरानी संजरानी संजरानी याद, एक और राजक संजरानी जो कि सैंडक में था, पता नहीं MD लेवल पे सियासी तौर पे 2013 में 12 में भर्ती किया था। जब ये सादिक संजरानी ये होता था ना मैंने प्राइम मिनिस्टर हाउस पीपल पार्टी के, उस वक्त अपने भर्ती को अंगूठा छापेगा। वैसे ही ये डॉक्टर हैगा जिस तरह इफ्तिखार चौधरी का क्वेटे में तो डिग्रियां बिकती है ना, चला गया 2013 से कोठी लाट हो गई, कोई हरामी पिल्ला कोई ब्यूरोक्रेट कोई मुनीर मिस्त्री कोई नदीम अंजम कोई एडिटर जनरल पाकिस्तान ये कहने के तुझे इलीगल दिया था तूने अब छोड़ दिया तो इधर आओ रिकवरी कौन देगा, उसको पकड़ा जाए ब्यूरोक्रेट को हाउसिंग वाले को कि तेरे बाप का माल है जो तुझे जिस तरह फैसलवादा बात बात हो गई ना मेरे बाप का माल है मेरे बाप का, कैंसिल तो कर दी उसकी अलाटमेंट, वो भी काबज ही हैगा अलाटमेंट कैंसिल कर दी, 2-4 दिन में अपना पग भोसड़ा चुप के चला जाएगा, लेकिन पैसे रिकवरी कौन करेगा? कोई नहीं, इधर बस अन्नी वंडे तो कुत्ता चटे अन्नी वंडे कुत्ता चटे। महकमा सोशल वेलफेयर की आपको दास्तान एक सुनाऊंगा लहदा, उधर एक यहाँ पे जो रखी हुई है वो हमजा शबाज की
एक कीप है जो लाहौर में पंजाब में, तो जो ऊपर है कश्माला तारक सोशल वेलफेयर जो खवातीन के हरासमेंट को डील करते हैं। मैंने ईमेल की टेलीफोन भी किया ये सनम जवेद जो आपने इससे पहले मेरी सुनी ना उसके हवाले से, तो वहां पर वो मैं अकेला दादा सुनाऊंगा। अभी तो चलते इंसानी हकूक की जो इंटरनेशनल ह्यूमन राइट कमीशन वहां भी करूंगा और पाकिस्तान में भी करूंगा। तो वहां पे आगे जो जुमा जाना वो अपनी मुनीर मिस्त्री गेमें खेल रहा। अच्छा ला माइक लागे कर ले, हेलो जी माइक लागे कर देता हेलो, वो अपनी गेमें खेल रहा और उसको लेके वहां चले गए ताकि जल्दी जल्दी अगर ये खान काबू नहीं आता तो मुकदमा करके साइफर का करे साइफर में हाई कोर्ट में जाके, अगर उसने दबाया ना वो तो दबा लेता जब मर्जी उसकी तरीक निकाले जी। जंगल का बादशाह इस वक्त खान ने जाने क्यों उसके ऊपर अटैक क्यों नहीं कर रहा है, जाके खान साहब लाडला साहब बस्ता पाओ जाति मरा जाओ, मजामत होएगी तो मफामत होएगी, इसके ऊपर अटैक करोगे तो फिर ही करेगा। अच्छा जी काकड़ साहब अभी इंग्लैंड में धक्के खाते फिर रहे आपके और मेरे पैसों से, मैंने कहा ये भी बता दे। अच्छा जी ग्वाल मंडेला दबट दोस्त ठुस फुस हो गया, वो बेचारा आ रहा था अब मखम से पड़ गया क्योंकि सरफराज बुगटी ने कह दिया कि कानून के मुताबिक गिरफ्तार होएगा तो होएगा तो बुलाना, वो पीछे से कान में रोड़े थे ना मुनीर मिस्त्री ने, तो जिसकी वजह से वो साथ चलता रहा लोग की लगे ने। अच्छा जी फिर क्या बात हुई जी, अच्छा जी फिर ये था कि जो है ना पहले मैं ये इसको पहले क्लोज कर लूँ। अच्छा जी फिर क्या बात थी कि खान साहब ने 50,000 रुपये कुकड़ का भी 2 दिन पहले जमा करवाया था, वो कुकड़ का पैसे पता नहीं आ रहे कुकड़ क्या आना था, वो 3,000 रुपये की मुर्गी एक देसी बिल में ठोकी हुई। पहले सोचा ब्रेकिंग न्यूज में चल गया राह जाते अभी तड़के में जो पॉलिटिकल तड़का होगा उसमें कहा 3,000 रुपये की मुर्गी देसी। अच्छा खान साहब कहते मैंने तो मुर्गी जहाँ से शुरू होती जहाँ मुकती वो मिलती और ये जो होता है थोड़ी सी यखनी पिला देते हो, वो कहते भाजी बस इस तरह मटीरियल नहीं सौदे के पैसे लादा ठोक रहे, वो बिच काली मिर्च पाई है जी सौंफ पाई है जी जीरा पाया जी बोला वो बिल ला के खान साहब को, हेलो खान साहब तुहाड़े 50,000 दे विच मुर्गी आई है तो 5,000 दी पै गई जे तुहानू एक मुर्गी, वो भी कहंदा होएगा मैं बाबा मियाँ जी दी दाल खा बैठा। हंसी मुझे आ रही कि वो खुद कार है बोटियां छोटियां खान साहब नू की दे रहे, खान साहब को आपने देखा है जिन दिनों अलीम खान के साथ और ये जो था जहांगीर तरीन के साथ मियाँ जी की दाल पूरा बोल ही आके रखा था पेट के, खान साहब तो माशाल्लाह खुश खुराक है कहने तो वहां क्या बनेगा। अच्छा जी फिर क्या बात करनी, एक और बात इम्पोर्टेंट करनी थी किधर चला गया सफा, मैं तो कुछ उस सुबह सुबह तू मैं हो गई ना महकमा सोशल वेलफेयर के साथ बीबी के साथ अंकल कर रही थी तो टुमक कर गए। अच्छा जी नवाज शरीफ की जो है ना वहाँ पे जो एप्लीकेशन है वो तैयार हो गई है तो किसी वक्त भी दाखिल कर दी जाएगी प्रोटेक्टिव बेल, वो वहाँ से आएगा नवाब साहब भैन दी थी ना मिस्त्री मुनीर मिस्त्री ने उन्हों वो जो बच्चा जमया भैन जो जमया जरा खुफिया बेटा नहीं आता वहाँ पे वो जिसने ये लीक की थी उसको नौकरी से निकाल दिया असदुल्ला पीटीआई को थोड़ा थोड़ा सपोर्ट करता उसको 92 से निकलवा दिया, इन्होंने कहा कि उसने उसके हरामी बेटे की जो खबर ब्रेक की थी तो हमने हमारा इशू नहीं यार करता तो करता रहे मैं इसमें नहीं चाहता, मैं ये कहना चाह रहा था कि ये जो पीटीआई वाले इसने कौन कौन से बंदे लाड लेने फिर बाजी तुसी कहंदे हो कि जी उन्हों चुतूना क्या कर उससे भी कोई घटिया लफज या फैमिली शो है तो मैं नहीं कुछ कर सकता। अभी मुझे अलामा भी आया बड़ी दूर से कि आपने सनम जवेद वाले के उसमें ब्रेकिंग न्यूज़ में गंदी गुफ्तगू की है
भाई गुड़ वाले चौल खाने की ये वो की, और मैं क्या कहता, मैं उसके लिए लड़ भी था रहा हूँ, कहाँ कहाँ मैं ईमेल करता भेज रहा हूँ और कहाँ कहाँ मैं टेलीफोन कर रहा हूँ। मेरे को रहा ही 2 यूरो गए, 10 यूरो का तो बैलेंस था, सस्ता ही पड़ता है टेलीफोन। इसको मेरे ख्याल यहीं पे क्लोज कर देते हैं, फिर दोबारा कर लेंगे। ISI ने जो अपनी एप्लीकेशन है, IB ने वापस ले ली, बाकी भी आस्ता आस्ता वापस ले रहे। और 3 तारीख को जो टोपी ड्रामा होना, वहां पे जवाब जमा होने शुरू हो गए, तो कुछ नहीं, अमल दरामद तो आधा शुरू कर दिया ना कि बाहमी मुशावरत से बेंच बना करेगा। फिर ठीक है, वो कहेंगे जी तू कराची जाके बैठा कर, इन जजों को यहीं पे रहने दो, या कहेंगे ऑनलाइन कर लो जी, जज अपने अपने घर बैठे रहा करें, वहीं से शामिल हो जाया करें, ताकि हम वहां पे गन पॉइंट के ऊपर उसका बच्चा कुक्षड़ में अगवा करके तो पूरा करा ले, कर बड़ा कुछ होता है। यहाँ पे ये जो है ना काजी फायज ईसा ने अमेंडमेंट आदि कबूल कर ली, मेरे को इसको यहीं पे क्लोज करें, फिर बात कर लेंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद।